खत्म कर देता है और समाज के आखिरी व्यक्ति को, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है और महात्मा गांधी जिसकी हमेशा वकालत करते थे, उसके अधिकारों की रक्षा इसके अंदर समाहित होती है और हम उसको सुनिश्चित करते हैं। और सबका साथ सबका विकास, ये मतलब यही है कि शत प्रतिशत उनके हकों को पहुंचाना। जब सरकार की मशीनरी का लक्ष्य हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचने का हो, तो भेदभाव पक्षपात टिकी नहीं सकता। इसलिए हमारा ये 100% सेवा अभियान सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, इसका बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है। यही सामाजिक न्याय की असली गारंटी है, यही सच्ची पंथ निरपेक्षता है, यही सच्चा सेक्युलरिज्म है। हम देश को विकास का ये मॉडल दे रहे हैं जिसमें हितधारक सबको उनके हक मिले। देश हमारे साथ है। कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आते हैं और जनता ये देख भी रही है और उनको हर मौके पर सजा भी देती रही है। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश की आजादी में 1857 से लेकर के स्वतंत्र संग्राम का कोई भी दशक उठा लीजिए, हिंदुस्तान का कोई भी भूभाग उठा लीजिए, मेरे देश की आजादी की लड़ाई में मेरे देश के आदिवासियों का योगदान स्वर्णिम पुष्प से भरा पड़ा हुआ है। गर्व होता है देश को कि मेरे आदिवासी भाइयों ने आजादी के महात्म्य को समझा था। लेकिन दशकों तक मेरे आदिवासी भाई विकास से वंचित रहे और विश्वास का सेतु तो कभी बन ही नहीं पाया, आशंकाओं से भरी हुई व्यवस्था बनी और उन नौजवानों के मन में बार बार सरकारों के लिए सवाल उठते चले गए। लेकिन उन्होंने सही नियत से काम किया होता, नेक नियत से काम किया होता, आदिवासियों के कल्याण के प्रति समर्पण भाव से काम किया होता, तो आज 21वीं सदी के तीसरे दशक में मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन उन्होंने नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, पहली बार इस देश आदिवासियों के विकास के लिए अलग मंत्रालय बना, पहली बार आदिवासियों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए, विकास के लिए अलग बजट की व्यवस्था हुई। आदरणीय सभापति जी, हमने 110 जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में आइडेंटिफाई किया। जो विकास में पीछे रह गए, सामाजिक न्याय जैसे महत्व का है, एम भौगोलिक रूप से भी जो पीछे रह गए हैं उनको न्याय दिलाना उतना ही आवश्यक होता है। और इसलिए हमने 110 आकांक्षी जिले और 110 में आधे से अधिक वो इलाके हैं जहां बहुल जनसंख्या जनजातीय है, मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हैं। 3 करोड़ से ज्यादा आदिवासी भाइयों को इसका सीधा लाभ मिला है, उनके जीवन में बदलाव आया है। इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें अभूतपूर्व सुधार हुआ है, क्योंकि हमने 110 जिलों पर विशेष फोकस किया है, उनका रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहां पर हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने
ट्राइबल सब प्लान की बात का जिक्र किया था। मैं ऐसे साथियों का अनुरोध करता हूं कि जरा समय निकाल करके किसी पढ़े लिखे व्यक्ति की मदद लेकर के बैठिए, जो बजट को अध्ययन कर सकता है, थोड़ा समझा सकता है, और आप देखेंगे तो पता चलेगा कि बजट में शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट फंड्स, इसके तहत 2014 के पहले की तुलना में 5 गुना अधिक वृद्धि हुई है। आदरणीय सभापति जी, 2014 के पहले जब उनकी सरकार थी तब एलोकेशन 20-25 हजार करोड़ रुपए के आसपास रहता था। बहुत पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 20-25 हजार करोड़ रुपए। आज यहां आकर के गीत गा रहे हैं, हमने आकर के इस वर्ष 1,20,000 करोड़ का प्रावधान किया। हमने बीते 9 वर्षों में हमारे आदिवासी, हमारे जनजातीय भाई बहनों के उज्जवल भविष्य के लिए और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए 500 नए एकलव्य मॉडल स्कूल स्वीकृत किए हैं और ये 4 गुना ज्यादा बढ़ोतरी है। इतना ही नहीं, स्कूलों में टीचर स्टाफ इस बार हमने 38,000 नए लोगों के रिक्रूटमेंट का, हमने भर्ती का इस बजट में प्रावधान किया। आदिवासियों के कल्याण के लिए समर्पित हमारी सरकार ने, मैं जरा आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात की तरफ ले जाना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, देश आजाद होने से लेकर हमारे आने से पहले 2014 के पहले आदिवासी परिवारों को 14 लाख जमीन के पट्टे दिए गए। पिछले 7-8 वर्षों में हमने 7 लाख नए पट्टे दिए, यह अभूतपूर्व काम हुआ है। हमारे आने से पहले 23,000 सामुदायिक पट्टे दिए गए थे, 23,000। हमारे आने के बाद 80,000 से अधिक सामुदायिक पट्टे दिए गए हैं। लिप सिंपथी बता करके आदिवासियों की भावनाओं के साथ खेलने के बजाय अगर कुछ किया होता तो आज मुझे इतनी मेहनत न करनी पड़ती और ये काम पहले आराम से हो जाता, लेकिन ये उनकी प्रायोरिटी में नहीं था। आदरणीय सभापति जी, इनकी अर्थनीति, उनकी समाज नीति, उनकी राजनीति वोट बैंक के आधार पर ही चलती रही और उसके कारण समाज की जो बेसिक ताकत होती है, स्वरोजगार के कारण देश की आर्थिक गतिविधि बढ़ाने वाला जो सामर्थ्य होता है, इन्होंने हमेशा नजरअंदाज कर दिया। उनको वो इतने छोटे लगते थे, इतने बिखरे हुए लगते थे, तो उसका उनको कोई मूल्य ही नहीं था। जो छोटे छोटे काम में जुड़े हुए, जो स्वरोजगार के ऊपर समाज पर बोझ बने बिना समाज में कुछ न कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, उनके प्रति दुर्लक्ष किया गया। छोटे काम में जुटे इन करोड़ों लोगों को भुला दिया गया। मुझे गर्व है कि मेरी सरकार ने रेहड़ी वाले, ठेले वाले, फुटपाथ पर व्यापार करने वाले लोगों की सुन ले, ब्याज के चक्कर में जिनके जीवन तबाह हो जाते थे, दिन भर का पसीना
ब्याज खोरों के घर जाकर के चुकाना पड़ता था, उन गरीबों की चिंता हमने की, उन रेड़ी ठेले पटरी वालों की चिंता हमने की। और आदरणीय सभापति जी, हमने इतना ही नहीं, हमारे विश्वकर्मा समुदाय जो समाज निर्माण के अंदर एक भूमिका देते हैं, जो अपने हाथ से औजार की मदद से कुछ न कुछ सृजन करते रहते हैं, समाज की आवश्यकताओं की बहुत बड़ी मात्रा में पूर्ति करते हैं, चाहे हमारा बंजारा समुदाय हो, चाहे हमारे गुमंद जाति के लोग हैं, हमने उनकी चिंता करने का काम किया है। पीएम स्वनिधि योजना हो, पीएम विश्वकर्मा योजना हो, जिसके द्वारा हमने समाज के इन लोगों की मजबूती के लिए काम किया है, उनके सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए काम किया। आदरणीय सभापति जी, आप तो स्वयं किसान पुत्र हैं, इस देश के किसानों के साथ क्या बीती है, ऊपर के कुछ एक वर्ग को संभाल लेना और उन्हीं से अपनी राजनीति चलाए रखना, यही सिलसिला चला। इस देश की कृषि की सच्ची ताकत छोटे किसानों में है, एक एकड़ दो एकड़ भूमि का वो बड़ा मुश्किल से 80-85% इस देश का ये वर्ग है। इन छोटे किसान उपेक्षित थे, उनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। हमारी सरकार ने छोटे किसानों पर ध्यान केंद्रित किया, छोटे किसानों को फॉर्मल बैंकिंग के साथ जोड़ा। आज साल में 3 बार सीधे पीएम किसान सम्मान निधि छोटे किसान के खाते में जमा होती है। इतना ही नहीं, हमने पशुपालकों को भी बैंकों से जोड़ा, हमने मछुआरों को बैंकों से जोड़ा और उनको ब्याज में रियायत देकर के उनके आर्थिक सामर्थ्य को बढ़ाया, ताकि वो अपना व्यवसाय विकसित कर सके, अपने क्रॉप पैटर्न को बदल सके, अपने उत्पादित किए हुए माल को रोक करके उचित दाम मिलने पर बाजार में ले जा सके, उस दिशा में हमने काम किया। आदरणीय सभापति जी, हम जानते हैं हमारे देश के बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि जो बरसाती पानी पर उनको गुजारा करना पड़ता है। सिंचाई की व्यवस्था ये पिछली सरकारों ने की नहीं, हमने और देखा है कि ये छोटे किसान पानी बरसाती के भरोसे जीने वाले, मोटे अनाज की खेती करते हैं, पानी होता नहीं है। ये मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को हमने विशेष स्थान दिया, हमने यूएन को लिखा कि मिलेट ईयर मनाइए, दुनिया में भारत के मोटे अनाज की एक ब्रांडिंग बने, मार्केटिंग बने और उसके सुविचारित रूप से अब उस मोटे अनाज को श्री अन्न के रूप में, जैसे श्रीफल का महात्मा है, वैसे ही श्री अन्न का महात्मा बने और छोटे किसान जो पैदावार करते हैं उनको उचित दाम मिले, ग्लोबल मार्केट मिले, देश में क्रॉप पैटर्न में परिवर्तन आए। और इतना ही नहीं, ये मिलेट सुपर फूड है, पोषण के लिए बहुत बड़ी ताकत है। हमारे देश के नई पीढ़ी को पोषण की समस्या के समाधान में भी ये काम आए, जो मेरे छोटे किसान को भी मजबूत करेगा। हमने फर्टिलाइजर में भी अनेक नए विकल्प डेवलप किए हैं, उसका भी लाभ मिल रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमें बड़े कन्विक्शन के साथ मैं मानता हूं कि जब निर्णय प्रक्रिया में माताओं बहनों की भागीदारी बढ़ती है तो परिणाम अच्छे मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने वाले होते हैं। और इसलिए माता बहनों की भागीदारी बढ़े,
वे निर्णय प्रक्रिया में हमारे साथ जुड़े। उस दिशा में महिला सशक्तिकरण को लेकर के, महिलाओं के नेतृत्व के विकास के लिए हमारी सरकार ने प्राथमिकता दी है। सदन में हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि महिलाओं को टॉयलेट देने से क्या महिलाओं का विकास हो जाएगा? हो सकता है उनका ध्यान सिर्फ टॉयलेट पर गया हो, वो उनकी कठिनाई होगी। लेकिन मैं जरा बताना चाहता हूं, मुझे इस बात का गर्व है और मैं गर्व अनुभव करता हूं, क्योंकि मैं राज्य में रहकर के आया हूं, मेरे गांव में जिंदगी गुजार के आया हूं। मुझे गर्व है कि 11 करोड़ शौचालय बना करके मैंने मेरी माताओं बहनों को इज्जत कर दिया है, मुझे इस बात का गर्व है। हमारी माताओं बहनों, हमारी बेटियों के जीवन चक्र की तरफ जरा नजर करें। हमारी सरकार माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए कितनी संवेदनशील है, उसकी तरफ मैं जरा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और जिनको सिर्फ टॉयलेट पे ही सोच अटक गई थी, वो जरा कान खुल करके सुने, ताकि आगे जाकर ये बताने में उनको सुविधा होगी। गर्भावस्था के दौरान शिशु को पौष्टिक खाना मिले, इसके लिए हमने मातृ वंदना योजना चलाई, और इसके लिए प्रेगनेंसी के समय महिला के बैंक खाते में सीधा पैसा जाए, ताकि उसको पोषण से उसके गर्भ में जो बच्चा है उसके स्वास्थ्य को भी लाभ हो। हमारे यहां माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, इस गंभीर समस्या से मुक्ति का एक उपाय इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। हमारे गरीब से गरीब काम मां की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, शिशु का जन्म अस्पताल में हो, इसके लिए हमने धन भी खर्च करना तय किया और व्यापक अभियान भी चलाया, और उसके सुफल दिखाई भी दे रहे हैं। मां, हम जानते हैं किसी न किसी मानसिक विकृति के कारण बेटियों को मां के कोख में ही मारने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। ये समाज के लिए कलंक था। हमने बेटी बचाओ अभियान चलाया, और आज मुझे खुशी है कि बेटे जन्म लेते हैं उसकी तुलना में बेटियों की संख्या बढ़ रही है। ये हमारे लिए संतोष का विषय है, हमने बेटियों की रक्षा का काम किया है। बेटी जब बड़ी होकर स्कूल जाए और शौचालय के अभाव में पांचवी छठी कक्षा में आते आते स्कूल छोड़ दें, हमने उस चिंता को भी किया और स्कूलों में बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट बनाए, ताकि मेरी बच्चियों को स्कूल छोड़ना न पड़े, ये हमने चिंता की। बेटी की शिक्षा जारी रहे, और इसलिए हमने सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें अधिक ब्याज देकर के बेटियों को सुरक्षित शिक्षा की व्यवस्था का प्रबंध किया, ताकि परिवार भी उनको प्रोत्साहन दे। बेटी बड़ी होकर अपना काम करने के लिए बिना गारंटी मुद्रा योजना से लोन ले सके, अपने पैरों पे खड़ी हो सके, और मुझे खुशी है कि मुद्रा योजना के लाभार्थियों में सब